चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इसी खबर से संबंधित आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर्स को पत्र लिखकर आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम आवास जो है वहां पर इन डॉक्टर्स को बुलाया गया है और खासतौर पर 5 बजे का वो समय दिया गया है जब राज्य की जो मुखिया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके साथ बैठक की बात की गई है। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है और आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास जो है वहां पर बैठक के लिए उन्हें बुलाया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता का। तपस, इस पूरे मामले में देखिए लगातार खुद ममता बनर्जी भी स्वास्थ्य भवन जो है वहां पर गई थी, डॉक्टर से लाइव जो उनकी बातचीत हुई थी वो भी लोगों ने देखा था। एक बार फिर से आज शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। जी देखिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हियरिंग में साफ तौर पर कहा था कि डॉक्टरों को अपने काम में लौटना चाहिए। तो उसके बाद काफी सारे प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री खुद शनिवार को पहुंची थी स्वास्थ्य भवन, जहां डॉक्टरों से वो बातचीत करने के बाद न्योता दिया गया था उन्हें शाम को उनके आवास में जाकर मुलाकात करने की। हमने देखा कि डॉक्टर्स वहां पहुंचे भी थे लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर उनके बीच मतभेद रहा जिस वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन आज मनोज पंत जो पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव हैं उनकी ओर से एक और चिट्ठी लिखी गई है और इसमें साफ कहा गया कि 5वीं चिट्ठी है और आखिरी चिट्ठी है सरकार की ओर से जिसमें उन्हें डॉक्टरों को न्योता दिया गया है कि शाम को 5 बजे वो सीएम आवास पहुंचे। और वहां पर इस चिट्ठी में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है किसी भी सूरत में कोई लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग इस मीटिंग की नहीं की जाएगी। इसी शर्त को सामने रखते हुए उन्हें आज बुलाया गया है लेकिन अब देखना यह होगा कि डॉक्टरों की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि तकरीबन कुछ ही देर में जनरल बॉडी मीटिंग होनी है, उसमें यह तय किया जाएगा कि डॉक्टर जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो कितने लोग जाएंगे और मूल किन बातों को लेकर वहां पर बातचीत होगी। मूलतर यह बताया गया है कि 5 जो इनके मूल डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को सामने रखते हुए ये मीटिंग होनी थी जिसके लिए मुख्यमंत्री भी उस दिन तैयार थे लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर मतभेद बना रहा, नहीं हो पाया। अब कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि क्या जूनियर डॉक्टर्स आज सीएम आवास पहुंचेंगे और इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं। बिल्कुल तपस, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग के बाद लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा मांगों में सबसे अहम मांग ये भी रखी गई है। इसी से जुड़ा ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो अस्पताल है लगातार, देखिए ये भी कहा जा रहा था जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पर नहीं लौट रहे जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहेंगे कि क्या डॉक्टर्स अस्पतालों में जो एक संख्या होती है उस संख्या में डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। जी देखिए, ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया लेकिन आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल के कुछ कोलकाता के कुछ मेडिकल कॉलेजेस है जहां पर जूनियर डॉक्टर्स अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। स्वाभाविक तौर पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर जो ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज है उसमें दिख रहा है। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ये काम इस समय संभाल रहे हैं लेकिन उन पर भी काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इस वजह से बार बार ये आग्रह किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कि वो काम पर लौटे। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आप अपना जो प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है वो आप जारी रख सकते हैं लेकिन काम पे तुरंत लौटिए क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर अपने डिमांड्स जो थे, जो मांगे हैं वो लेकर वो अड़े हुए हैं जिनमें काफी अहम मांग ये है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटाया जाए और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्हें उनके पद से हटाया जाए, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा। क्योंकि बाकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत हद तक राज्य सरकार ने मान लिया है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों में ये आशंका है कि अगर वो अपने ड्यूटी में लौट जाते तो शायद सरकार उनकी मांगों को पूरा ना करे। इस वजह से अभी भी ये डेडलॉक की जो स्थिति है वो जारी है। बिल्कुल तपस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर्स की अहम मांग में से आपको बता दें ये भी है कि जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, साथ ही जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके बर्खास्तगी की जो मांग है लगातार डॉक्टर्स द्वारा ये की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी जो आज मुख्य सचिव द्वारा बुलाया गया है शाम 5 बजे की जो बैठक है उसमें ये जूनियर डॉक्टर्स का जो डेलीगेशन है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचता है या फिर नहीं, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही रहने वाला। आगे बढ़ेंगे।